अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम लोगों का जो लेक्चर है वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है। जैसे शुरू में हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस का पहला लेक्चर पढ़ा था, कंप्यूटर साइंस होती क्या है, दूसरे में हम लोगों ने सारी प्रोसेसिंग कर दी, सीपीयू क्या है जी, उसके पार्ट कितने हैं। अब हम लोगों ने पढ़ना है कि इनपुट डिवाइसेज कौन सी होती है और आउटपुट डिवाइसेज क्या है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इनपुट क्या है। इनपुट हम लोगों ने शुरू से ही इसको स्टडी किया था पहली क्लास से ही। इनपुट वो है जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करते हैं, कि उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कंप्यूटर साहब आप ये वाला काम कर दें। अब वो इंस्ट्रक्शंस आपकी जिस तरीके से, जिस डिवाइस से हम लोग इनपुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में, तो उन डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। अब आपके इनपुट डिवाइसेस जो है सारी एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट जिससे क्या करना है आप लोगों ने अपनी इनपुट देनी है। और इनपुट क्या होती है, आपकी इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, आपकी कमांड हो सकती हैं, आपकी प्रोग्राम हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब उसमें होता ये है कि आपका जो हार्डवेयर कंपोनेंट है एक स्पेसिफिक टाइप का भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एटीएम मशीन में आप जाते हैं, आपका एक कीपैड लगा होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप उसमें कैलकुलेटर को नहीं यूज कर सकते, अगर सिर्फ कीपैड ही यूज होता है, तो वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक छोटा सा एक आपका इनपुट डिवाइस लगी होती है, जिसमें सिर्फ आप अपनी पेज एंटर कर सकते हैं और अपनी अमाउंट लिख सकते हैं। इसी तरह कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी एक स्पेसिफिक टाइप की इनपुट लेता है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन लिखी थी। जिसमें आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड है, इसके अंदर आप मल्टीपल किस्म के इनपुट दे सकते हैं, आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह जितनी भी डिवाइसेज जो आपके इनपुट के लिए यूज होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेज बोलती है। जिनका काम क्या होता है कि आपने डाटा को इंटर करना है और इंस्ट्रक्शन को इंटर करना है। इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज आती है, आपके प्रोग्राम आ जाते हैं, आपका कमांड आ सकती है, आपकी यूजर रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जी आपने एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करना है कि कौन सी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप एटीएम की मशीन यूज करें तो उसमें सिर्फ कीपैड यूज होगा। इस तरह से जो भी एप्लीकेशन होगी आपकी उस पर डिपेंडेंट होगी कि आपने कौन सी इनपुट डिवाइस यूज करती है। अब सबसे पहले आपकी जो इनपुट है, इनपुट डिवाइस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड के ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड सबने देखा होता है, ठीक है। अब उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपके पार्ट क्या होता है, जिसके अंदर सारी की सारी आपकी कौन सी आती है, फंक्शनल चीज आती है। अगर आप कंप्यूटर के कीबोर्ड के टॉप पे देखें, F1, F2, F3, और इसमें जितनी भी आपके पास ये बनी हुई होती हैं, आपकी कीज बनी है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन कीज बोलते हैं। हर स्पेसिफिक की का एक फंक्शन होता है। जैसे F2 का सर्च होता है, F5 से रिफ्रेश हो जाता है, F12 से आप हेल्थ ले सकते हैं। ऐसा डिफरेंट आपकी कीज है, हर फंक्शन का ना अलग से क्या कहते हैं, कीज होती है। फिर उसके बाद आपके पास आता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में आप देखते हैं कि आपके क्या कहते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 वाला, इस तरह के होता है। जितने भी मतलब नंबर्स की जो आपके पास कीज होती है, उनको हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। उसके बाद आपके पास जाती है ABC आ जाती है सारी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिक कीज बोलते हैं। फिर उसके बाद लास्ट आपकी आती है कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज में कौन कौन सी आती है, कंट्रोल, शिफ्ट, आल्ट, कैप्स लॉक, टैब और इस तरह के सारे बटन आते हैं। कंट्रोल कीज का बेसिकली मकसद ये होता है कि जिसके अंदर कोई ना कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंट्रोल प्रेस करें और साथ में क्या कहते हैं, उसके साथ अगर आप सी करें, कंट्रोल सी के साथ एक शॉर्टकट की बन जाती है जिसका फंक्शन परफॉर्म करता है कॉपी का। इसी तरह आल्ट प्लस F4 आप प्रेस करें तो आप क्या होता है कि आपका फंक्शन परफॉर्म हो जाता है, आपकी विंडो क्लोज हो जाती है। इस तरह ये कंट्रोल कीज वो है जिनके साथ आप कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे एक डिलीट है, डिलीट भी कंट्रोल की है। इसमें क्या होता है, आप डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो आपका स्पेसिफिक या सिलेक्टेड चीज डिलीट हो जाती है। इस तरह होम पेज, डाउन पेज, अप एंड इस तरह से आ सकता है। अब आपके पास कीबोर्ड दो किस्म के होते हैं। आपका एक कीबोर्ड आता है जिसमें क्या कहते हैं, आपने देखा होगा राइट साइड पे ना, आप देख रहे होते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर के टाइप का एक वो पैड सा बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। जो आपके पास पूरे के पूरे कीबोर्ड के अंदर दो हिस्से हो जाते हैं, एक आपका अल्फा न्यूमेरिक आ जाता है, एक सिंपल न्यूमेरिक आ जाता है। राइट साइड पे जो आपका कीबोर्ड बना होता है, ये पूरे का पूरा अल्फा न्यूमेरिक कीपैड है, जिसके अंदर वो न्यूमेरिक कीपैड भी अलग है और अल्फाबेटिक्स वाला भी अलग है। जो सिंपल कुछ आपके जो लैपटॉप आते हैं, जो 14 इंच साइज आते हैं, उनमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये साइड वाला नहीं होता, आपके अंदर वाला होता है। उसमें आपका जो जिसमें ABC लिखी होती है, ऊपर कीबोर्ड होते हैं, तो उस वाले कीबोर्ड को आप सिंपल कीबोर्ड का बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं, जिसमें अल्फाबेट्स भी हैं, न्यूमेरिक्स भी हैं। अब उसके बाद आपके पास लिखा कीबोर्ड एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि कीबोर्ड को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि आप जब उसको यूज करें तो उसमें आपके रिस्ट में कोई पेन ना हो, या आपके हाथ में कोई दर्द ना हो, या कोई इंजरी ना आ जाए। कैसे, अब आप देखें जो आप कीबोर्ड यूज करते हैं, वो उस कीबोर्ड को बोलते हैं क्विल्टी कीबोर्ड, QWERTY, स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट्स हैं उसी से इसका नाम रख दिया क्विल्टी कीबोर्ड। अब क्विल्टी कीबोर्ड में ये होता है कि अगर आप इसको देखें, आपकी जो लेफ्ट हैंड की जो सबसे छोटी उंगली है उसके ऊपर आ रहा होता है Q, A और Z।
ऐसा लेफ्ट साइड के ऊपर आपका कॉलम पी और डॉट आ रहा होता है। तो अगर आप इस तरीके से अगर अपना हाथ भी इसके ऊपर रख के देखें और मतलब इस तरह की सारी फिंगर्स अगर आप प्रॉपर एडजस्टमेंट के साथ करें तो फिर आपको ना आपकी फिंगर्स में ना पेन होगा ना आपकी रिस्ट में इंजरी आएगी। लेकिन अगर आप इसको उस तरीके से यूज करते हैं तो फिर आप अक्सर थोड़ी देर अगर ज्यादा टाइपिंग करें और अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो आप फील करेंगे आपके हाथ में पेन होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप कोई टाइपिंग करते हैं किसी टाइपराइटर से आप देखते हैं या ऑनलाइन किसी देखेंगे टाइपिंग हो रही होती है उसमें प्रॉपर एक जगह पे अपने हाथ रखे हुए होते हैं ताकि उसके हाथ में दर्द ना हो। तो ये आपकी क्या होती है कीबोर्ड एर्गोनॉमिक्स होती है। अब ये तो आपके हार्डवेयर होते हैं जो मतलब आपके जो स्पेसिफिक आपके कीबोर्ड होते हैं। तो दूसरा आपके कीबोर्ड आते हैं मोबाइल कंप्यूटर्स के लिए और मोबाइल डिवाइसेस के लिए। मोबाइल कंप्यूटर मोबाइल डिवाइसेस के लिए कौन से कीबोर्ड होते हैं जो आप अपने मोबाइल फोन में यूज करते हैं जो आपके वर्चुअल कीबोर्ड होते हैं एक्जैक्टली सेम होते हैं लेकिन वो आपके कौन से वर्चुअल कीबोर्ड होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी इनपुट डिवाइस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस माउस होता है जिसका सबको ही पता है जिसके साथ छोटा सा कर्सर बना होता है आप उसको घुमा सकते हैं रियल टाइम के ऊपर। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको हम GUI बोलते हैं। जो भी चीज आपको सामने नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर वो आपका क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है कि आपको इंटरफेस है उसको यूज कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस में क्या होता है कि आप उस इंटरफेस को यूज कर सकते हैं उसको ड्रैग कर सकते हैं उसको जिधर मर्जी ले जाए उसको क्लिक कर सकते हैं डबल क्लिक कर सकते हैं जिसमें उसका यूज किया जा सकता है। पॉइंटिंग डिवाइसेस में कौन कौन सी चीज आती है आपकी माउस आता है ट्रैक बॉल आती है टच पैड आता है और पॉइंटिंग स्टिक आती है। माउस का सबको पता है ट्रैक बॉल ये होती है। कीबोर्ड के अंदर अगर आप पुराने लैपटॉप अगर किसी के पास हो तो उसमें देखा होगा जी बिल्कुल बीच में ना एक छोटी सी एक टंडी सी लगी होती है एक बॉल सी लगी होती है जिसको आप मूव करें तो आपका माउस मूव करना शुरू कर देगा। ऐसा माउस ही यूज करता है जिसकी ये भी आपका कीबोर्ड एर्गोनॉमिक्स में एक चीज यूज होती है कि आप टाइपिंग करते हुए भी माउस उसको यूज कर दें। उसके बाद आपके पास क्या टच पैड है टच पैड क्या है जो भी हम लोग अपने टच फोन यूज कर रहे हैं। फिर आपके पास क्या है पॉइंटिंग स्टिक्स क्या है पॉइंटिंग से अगर किसी के पास सैमसंग का नोट सीरीज हो फोन उसमें एक साथ एक स्टिक आती है तो जिससे आप क्या यूज करते हैं अपनी क्या कहते हैं टाइपिंग भी कर सकते हो उससे सिग्नेचर्स भी कर सकते हैं उसको एज अ टच फोन की तरह यूज कर सकते हो। वो आपकी फोन से पॉइंटिंग स्टिक होती है वो भी एज अ इनपुट डिवाइस काम करती है और पॉइंटिंग डिवाइसेस की एक टाइप है। अब टच स्क्रीन और टच सेंसिटिव पैड्स क्या है टच स्क्रीन का सबको पता है जैसे मोबाइल में लैपटॉप में मोबाइल टैबलेट्स में माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस में कियोस्क में। अब मोबाइल लैपटॉप नोटबुक टैबलेट्स का तो सब कुछ पता है इसमें दो चीज़ें लिखी हुई है कियोस्क लिखा हुआ है। कियोस्क क्या होता है अगर आप सेंटोरस में फर्स्ट फ्लोर पे जाए ना तो स्टार्ट के ऊपर ना ऐसे ब्लैक सी क्या कहते हैं वो डेस्क की टाइप की चीज लगी होती है उसके ऊपर से स्क्रीन है जहाँ पे उसका मैप लिखा होता है कि इस स्क्रीन के ऊपर इस फ्लोर के ऊपर ये शॉप्स हैं दूसरे फ्लोर पर ये शॉप्स हैं। तो वो एक स्पेशलाइज किस्म का एक क्या कहते हैं मशीन होती है जिसको हम कियोस्क बोलते हैं जो जस्ट एक ऐसा आपको ना एक खिड़की प्रोवाइड करता है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे ले कि आप उसके ऊपर जाके कोई काम नहीं कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन जस्ट वो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है मैप्स की उसको हम लोग क्या बोलते हैं कियोस्क बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस वो है विंडोज 8 से लेकर विंडोज 10 में जब आप विंडोज का बटन प्रेस करते हैं तो इस तरह की एक बार्स बनी हुई आ जाती है जो राइट से लेफ्ट मूव होती है तो वो आपका क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस है वो टच स्क्रीन के लिए बना है तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस रखा हुआ है। अब उसके बाद आपके पास आ गया जी पेन इनपुट वही आपकी जो होती है जिससे पेन के थ्रू आप लिख भी सकते हैं कि जी आपने यहाँ पे एक पेज के ऊपर वो पेन आपके साथ अटैच हो जाता है सिस्टम के साथ आप उस पेन के साथ अपने कागज पे लिखते जाए तो साथ साथ आपकी स्क्रीन पे भी सेम एज इट इज वो लिखना शुरू कर देता है। जो आपके वो बेसिकली इसमें होता है कि जी आपके ई सिग्नेचर्स के लिए होता है कि आप लोगों ने कुछ चीज़ टाइप की प्रिंट किए बगैर आपने वहीं पर उसके सिग्नेचर्स देने हैं तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके इनपुट डिवाइसेज हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं गेम कंट्रोलर्स क्या हैं जितने भी आप गेम्स खेलते हैं उसके लिए यूज होते हैं। जॉयस्टिक आपके गेम पैड से काफ़ी पुरानी चीज़ है जिसमें आपके लेफ्ट के ऊपर आपके कर्सर कीज होती हैं राइट के ऊपर ABC के बटन होते हैं जिसके साथ आप गेम्स खेल सकते हैं फाइटिंग गेम्स खेल सकते हैं आप रेसिंग गेम्स कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद जॉयस्टिक्स और व्हील्स वो होते हैं कि अगर आप लोगों ने आजकल देखा हो जो आज सामने LCD लगी होती है एक वो सीट होती है सीट के आगे आपका स्टेयरिंग व्हील और इस तरह का एक पूरा सेटअप बना होता है ताकि आप गेम खेल रहे हो तो आपको रियल टाइम एनवायरनमेंट फील हो तो वो आपको क्या होते हैं जॉयस्टिक एंड व्हील्स होते हैं। लाइट गन्स हैं ये कि अगर इस्लामाबाद में कोई अगर हॉटस्पॉट में गया है या जो कई F10 में आपके पास है जी मेगा जोन है वहाँ आप जाएँ तो वहाँ पर आपको गेम एक देते हैं कि भी आपने लेजर गन्स दे देते हैं आपको और एक स्क्रीन के ऊपर आपके पास इस तरह से एनवायरनमेंट चल रहा होता है तो आप उस लेजर गन की तरह आप शूट करते हैं तो आपको ऐसा फील आता है कि आप वाकई में शूट कर रहे हैं लेकिन वो क्या होती है इनपुट डिवाइस आपकी लाइट गन यूज होती है जो लेजर के थ्रू उसको इनपुट को ले रही होती है। फिर आपके पास डैश पैड्स होते हैं और मोशन सेंसिंग गेम कंट्रोलर्स होते हैं। मोशन सेंसिंग गेम कंट्रोलर्स होते हैं कि आप अपने आपको एक क्या कहते हैं एक ग्लव्स दे दिए जाते हैं जो अपने हाथों पे पहन लेते हैं या फिर उस पर बैंड पहन लेते हैं
तो आप स्क्रीन के आगे खड़े हो जाते हैं और आप टेनिस खेल सकते हैं कि जिस तरह से आप हाथ मूव करते हैं तो उसी तरह आपको गेम के अंदर मूव होता हुआ दिखाई दे जाता है। तो ये क्या होती है, मोशन सेंसर गेम पर चलते हुए मोशन को सेंस करते हुए आगे इनपुट आपकी प्रोवाइड करती है। देयर आपके पास इनपुट डिवाइस क्या है, आपका डिजिटल कैमराज है। पहले वाले कैमराज क्या होते थे, आपके 36 पिक्चर्स है और पिक्चर्स आपने खींच ली, उसके बाद आप फोटोग्राफर के पास गए, हमें एक फिल्म आप इसकी वॉश करके प्रिंट्स ले देंगे, वो 36 ही पिक्चर्स होती थी, बड़ी देख समझ के आप लोगों ने पिक्चर्स खींच ली होती। अब आपके पास क्या है, फोन आ गए, डिजिटल कैमराज आ गए, कि उसी टाइम आप लोगों ने पिक्चर कैप्चर की और इसी वक्त उसको आपने अपना थोड़ी सी एडिटिंग करनी है तो कर ली, या फिर ऐसे चीज आपने उसको यूज कर लिया, तो ये आपकी क्या होती है, ऐसा उस पिक्चर को एज अ डिजिटल फॉर्म में आपके पास सेव कर लेता है। तो उसको आप अपनी मेमोरी में, डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी जगह सेव करना चाहें आप उसको सेव करवा सकते हैं। तो ये आपके डिजिटल कैमराज होते हैं। अब डिजिटल कैमराज में सबसे पहली चीज़ आती है कि इसकी क्वालिटी को मेजर कैसे करते हैं। क्वालिटी की जो मेजरमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। ये पिक्चर की रेजोल्यूशन क्या है, पिक्चर की रेजोल्यूशन में ये आता है कि जब आप देखते हैं किसी भी पिक्चर को, आप राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज पे जाएं या फिर वैसे ही आप उस पर क्लिक करें तो उसके साथ लिखा हुआ आ जाता है कि 1024 × 800। तो 1024 × 800 का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़े में हो ना, मैथमेटिक्स में या मैट्रिक में या उसमें जाते हो, तो मैट्रिसेस होते हैं। मैट्रिसेस में क्या होता है कि जी आप जैसा टेबल हम लोग अगर एक्सेल में आप देखें तो कॉलम्स होती हैं और रोज होती हैं, तो पहले कॉलम्स होते हैं फिर मल्टीप्लाई बाय रोज होती हैं। तो आपके 1024 कॉलम और 800 आपकी क्या होगी, रोज होगी। तो ये आपके एक रो का जो एक डब्बा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल होता है। जो पिक्सल होता है जो आपके स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपकी पिक्चर का, जितने ज्यादा पिक्चर में ज्यादा होंगे तो उसकी पिक्चर डेंसिटी बढ़ेगी, जितनी पिक्चर डेंसिटी बढ़ेगी तो आपकी पिक्चर की क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब डिजिटल कैमरा में आपके पास चार किस्म की इनपुट्स होती हैं। सबसे पहले इनपुट होती है वॉइस इनपुट, दूसरी होती है ऑडियो इनपुट। वॉइस इनपुट वो है कि जो आप सिंपल माइक्रोफोन के साथ बोलते हैं, जिसमें अभी मैं बोल रहा हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है, तो ये आपकी सिंपल क्या है, वॉइस इनपुट है। ऑडियो इनपुट क्या है कि इसी वॉइस के साथ मैं थोड़ी सी प्रोसेसिंग करूँ, इसमें पीछे म्यूजिक डाल दूँ या फिर अपनी जो साइड पे जो आपका नॉइज आ रहा है इसको मैं क्लियर कर दूँ, मतलब वॉइस के ऊपर अगर आप थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर देंगे, उसमें कोई म्यूजिक ऐड कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, ऑडियो बन जाएगी। तो ऑडियो क्वालिटी फिर ऑडियो इनपुट हो जाएगी। फिर वीडियो इनपुट क्या होती है कि जी आपकी पिक्चर जो फुल मोशन आपकी पिक्चर है, जैसे आप डिजिटल कैमरा में डिजिटली इमेज को कैप्चर करता है, इसी तरह जब वीडियो को आप कैप्चर करते हैं तो वो क्या होती है, आपकी वीडियो इनपुट होती है। अब वीडियो बेसिकली आपकी आई कहाँ से, वीडियो ये हुआ था जनाब, यदि आपको शुरू में पता है जी हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा कल्चर होता था, तो हॉर्स राइडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक टाइम पे दो घोड़े आपकी विनिंग लाइन के ऊपर इकट्ठे आ गए, तो उनको समझ नहीं आई थी कि हम लोग विनिंग किसको, मतलब कौन सा जो घोड़ा है, कौन सा हॉर्स है, उसको हम लोग कहें कि ये विनर है। तो उन्होंने क्या किया कि जी नेक्स्ट टाइम के लिए उन्होंने डिफरेंट आपने फोटोग्राफर्स हायर किए, जिन्होंने 5 से 7 एक तरफ 5 से 7 दूसरी तरफ के, जिस वक्त भी आपका घोड़ा जब आपके पास पहुंचेगा उसे पिक्चर खींच लेंगे, जब पिक्चर खींचेगा तो हमें समझ आ जाएगी कि कौन लिखा। तो क्या हुआ जनाब, उसमें काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स आए, उन लोगों ने पिक्चर खींची और आपका बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने विनर को भी अनाउंस कर दिया। तो उसमें एक बंदा था, उसने क्या किया, बर्स्ट मोड में पिक्चर्स खींची। तो आपके फ़ोन में बर्स्ट मोड होता है ना, एकदम से आपकी 20-30 पिक्चर्स खींची जाती हैं, उस तरह उसने पिक्चर्स खींची। जब उनकी फिल्मिंग कर रहा था तो उसको देखा कि यार अगर मैं तेज़ी से इसको मूव करूँ तो मुझे ऐसा मूविंग पिक्चर नज़र आ रही है। तो उसने उस जगह पे जाके आपकी वीडियो इंट्रोड्यूस हुई थी कि अगर हम लोग मूविंग पिक्चर्स को, अगर हम लोग एक स्टिल पिक्चर्स को तेज़ी से मूव करें सेम फ्रेम के ऊपर, तो वैसा फील होगा कि पिक्चर्स को आपकी जो है ना मूविंग वीडियो बन जाती है। तो बेसिकली वीडियो के पीछे जो टेक्निकल चीज़ होती है यही होती है, पिक्चर ही खिंच रही होती है लेकिन वो उतनी स्पीड में खिंच रही होती है कि आपको उसका फील नहीं आता, आपको यही लग रहा होता है कि उसमें होता है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम पर सेकंड FPS होता है। जब आप किसी भी वीडियो को देखेंगे तो उसके साथ लिखा होता है कि जी 100 FPS है, 200 FPS है, 1000 FPS है। तो वो क्या होता है, FPS क्या होता है, फ्रेम पर सेकंड, कि एक पिक्चर एक सेकंड में कितनी दफ़ा मूव होती है। तो अब अगर 1000 FPS का मतलब ये कि जी 1000 पिक्चर्स एक सेकंड में मूव हो रही है, तो आपको वो इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी होगी वीडियो की, आपको फील नहीं आएगी कि यार ये पिक्चर है। तो अगर आप उसको देखना चाहें तो अगर आपको मूवी देखनी है पॉज का बटन दबाएं तो आपको स्टिल पिक्चर नज़र आ जाती है, फिर ये पिक्चर यहाँ पे वो आपकी बेसिकली आपकी वीडियो पॉज नहीं होती, वो बेसिकली उस फ्रेम को आप पॉज कर देते हैं तो आपको स्पेसिफिक टाइम का फ्रेम नज़र आ जाता है। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास क्या होता है, वेबकैम क्या होता है, वेबकैम सबको ही पता है वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ होता है, तो एज अ वीडियो को आपको वो डायरेक्ट
इनपुट ले लेता है लाइव, जैसा माइक्रो वॉइस इनपुट होती थी उसका वेब इनपुट हो गई, और ऑडियो प्रोसेस्ड होती है, वीडियो भी प्रोसेस्ड होती है। अब उसके बाद क्या आ गया जी, स्कैनर आ गए और रीडिंग डिवाइसेज आ गए। स्कैनर आपका क्या है बेसिकली, स्कैनर आपका जी आपने हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस यूज होती है वो तो प्रिंटर होती है, जिस आपने प्रिंट किया तो आपको हार्ड कॉपी निकल आई। तो इसी तरह जो आपके पास अगर हार्ड कॉपी और उसको अगर आपने सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, कोई आपकी इमेज है, कोई आपकी नोट्स है, कुछ भी चीज़ है, तो आप उसको ये क्या यूज करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं। अब स्कैनर का काम क्या होता है कि जैसे आपकी फैक्स मशीन होती है, फोटोकॉपी मशीन होती है, कि आपने एक पिक्चर रखी और उसमें उसको आपने डाला तो उसकी कॉपी बना के वो आपको दूसरे पेज के ऊपर दे देता है। अब फोटो कॉपी मशीन में क्या होता है जनाब, आपका वो हार्ड कॉपी से हार्ड कॉपी बनाता है, स्कैनर क्या करता है सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी पे प्रिंट दे देता है। जो आपकी फोटो कॉपी मशीन है वो हार्ड कॉपी पे प्रिंट देती है, और सॉफ्ट जो स्कैनर है वो आपकी क्या करता है सॉफ्ट कॉपी वो प्रिंट करता है। तो आप उसको ग्राफिक्स को भी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को भी, किसी भी चीज़ को भी। फ्लैट बेड स्कैनर क्या है जी, फ्लैट बेड मशीन जो स्कैनर है वो बेसिकली क्या है कि जी जैसे आपकी फोटोकॉपी मशीन है ना उसके ऊपर आप प्रेस कर दे तो वो बिल्कुल टेबल के ऊपर ऐसे जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप की आप स्क्रीन ऊपर करें तो आपको नजर आ जाएगा कैसे थी। तो वो ये होता है कि जहाँ पे आपका कीबोर्ड लगा होता है यहाँ पे आपकी स्क्रीन वो एक शीशा सा लगा होता है, शीशे से वो शीशे से कैप्चर करता है और उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, तो वो फ्लैट बेड स्कैनर होता है। अब आपके पास क्या है जी, ऑप्टिकल रीडर्स। ऑप्टिकल रीडर्स क्या है कि जी होते स्कैनर्स ही हैं, लेकिन स्कैनर्स क्या है कि ऑप्टिकल रीडर में वो उसको लाइट को, डॉट्स को, करेक्टर्स को, इन चीज़ों को रीड करते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल आपका जी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, आपके पास नोट्स थे, आप लोगों ने कहा जी कि हार्ड कॉपी में इसको स्कैन करके ना मैं इसको डिटेबल करना चाहता हूँ। ऐसे सिंपल स्कैनर जो फ्लैट बेड स्कैनर है उसमें क्या होता है जी कि सिंपल आपके पास पिक्चर आ जाती है एज अ वो जो आपके टेक्स्ट है वो पिक्चर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन में क्या होता है कि आप उन पिक्चर्स को जो अपना टेक्स्ट है उसको एडिट भी कर सकते हैं, कि आप वर्ड बाय वर्ड उसको चेंज करते हैं। पीछे टेक्नोलॉजी क्या होती है कि जी उन्होंने क्या होता है कि मैचिंग कर रहे होते हैं, तो एबीसी के डिफरेंट फॉन्ट्स हैं उनको वो स्कैनर के अंदर एम्बेड हुए होते हैं, तो ऑप्टिकल रीडर क्या करता है वो उसको दोनों के साथ मैच कर रहा होता है, ए आया तो ए टाइप कर दिया, इसमें वो बेसिकली टाइपिंग करता है और आपको एज अ क्या कहते हैं उसको एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। आपके पास क्या आता है जी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन क्या है जनाब, कि जब आप लोगों ने अगर एनटीएस के पेपर दिए हो तो डॉट्स बन जाते हैं, तो जब वो आपको एक पेपर दे देते हैं जी कि इसके ऊपर आपने आंसर लगाने ए आया तो ए का डॉट काला कर देना, ब्लू कर देना, तो वो क्या करते हैं जब एक मशीन से गुजारते हैं तो आपके आंसर आपको दे देती है मशीन, तो वो क्या होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन वो जो है वो यूज करती है। तो उसके अंदर हम लोगों ने वो एक प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि जी अगर ब्लू कलर का ब्लैक कलर का डॉट आए तो इसका आंसर ये होगा, अगर वो इस जगह पे है तो ठीक है, नहीं तो उस जगह पे उसका आंसर सही होगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो वो वाली जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी थी, ऑप्टिकल मार्क टेक्नोलॉजी। अब आपके वो बार कोड रीडर्स है, जितने भी आप कैश एंड कैरी, मदीना कैश एंड कैरी, सेव मार्ट, ईच एंड एवरीथिंग, आप किसी भी जगह आप जाते हैं हर जगह ही पड़े हुए, तो ये क्या होती है कि जी आपकी जो भी आप आइटम खरीदते हैं तो उस डिवाइस के आगे करते हैं तो एकदम से वो आपकी डिवाइस ऐड हो जाती है, तो वो आपके उसमें बेसिकली बार कोड होते हैं, बार कोड को रीड करता है, ठीक है, ये वो वाली टेक्नोलॉजी होती है। फिर आपके पास क्या होता है RFID, अब इसको कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID क्या होती है बेसिकली, आपकी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। RFID में आपका बायोमेट्रिक आ जाता है, आपकी वो क्या कहते हैं आईज के ऊपर जो आईबॉल के साथ आप चेक कर सकते हैं, हार्ट बीट के साथ चेक कर सकते हैं, तो ये होता है कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। इसके काफ़ी सारे फायदे हो जाते हैं, मतलब होते हैं किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, लोगों ने डोर के साथ लगाया होता है कि कोई बंदा आएगा यहाँ पे अपना थंब लगाएगा तब आप क्या करेंगे इसको थंब जैसे ही लगाएगा तो आपका डोर ओपन होगा। जिसने आप PCC में अगर कोई पढ़ा हो तो उनको पता होगा बैजेस के साथ उन लोगों ने एक छोटी सी चिप अंदर इंटर की हुई, जैसे आप स्कूल से इंटर होते हैं या बाहर जाते हैं आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास MICR रीडर्स होते हैं जो आप मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन का क्या है कि अगर आप लोगों ने अगर ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो अगर आपके पास तो आप जाके कोई शॉपिंग करते हैं तो उसको स्वाइप करते हैं, तो वो क्या होता है जो मैग्नेटिक इंक जो उसके अंदर लगी हुई होती है ब्लैक सी टेप लगी हुई होती है, ठीक है, उसको रीड करती है। तो इसी तरह मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर्स भी वही चीज़ है जी, उसके ऊपर वो एक स्ट्राइप कार्ड लगा होता है, उसको आप इसके अंदर से गुजारते हैं तो उसको रीड कर देती है, उसके अंदर डाटा सेव हुआ होता है। अब बायोमेट्रिक इनपुट मैंने आपको जो बताया कि उसमें क्या हो सकती है जी, हैंड ज्योमेट्री जो है आपकी, पता है आपको जी कि आपकी जो हाथ की लिखी है वो सिर्फ आपकी
आइडेंटिकल है, उधर से किसी की भी नहीं हो सकी, तो हम उसको ऐसा क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन मान के उसको यूज कर सकते हैं बायोमेट्रिक के साथ। वॉइस वेरिफिकेशन सिस्टम दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी डिफरेंट है, आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसकी वॉइस सेम होनी चाहिए। जिस तरह आपकी क्या कहते हैं हैंड की ज्योमेट्री आइडेंटिकल है, इसी तरह आपकी वॉइस भी जो है ना वो भी आइडेंटिकल है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन सिस्टम जो है, अगर आप लोगों ने अपना सिग्नेचर रख दिया उसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर IRIS रिकग्निशन सिस्टम, फिर फिंगर स्कैनिंग, मतलब इस तरह के जितने भी सिस्टम है ये आपके कौन से बायोमेट्रिक में आ जाते हैं। फिर टर्मिनल्स आ गए। अब टर्मिनल क्या होते हैं, यदि आपने से आप जिसमें इसमें एप्लीकेशन लिखी हुई है जी के पॉइंट ऑफ सेल या ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसको आप ATM बोलते हैं, कि ये आपके टर्मिनल्स होते हैं। स्पेसिफाइड किस्म की मशीन होती है जिसमें क्या करना होता है, इनपुट आपकी स्पेशल आती है। जैसे अब आपके पास ATM मशीन है उसके अंदर एक कीबोर्ड लगा होता है, तो ऑब्वियसली आपने जाके वहाँ पे अपनी पिन डालनी है या पैसा इंटर करनी है, इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल क्या है कि आप जब कैश एंड कैरी पे जाते हैं, जब आप बिल पे करना चाहते हैं, जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल बोलते हैं, कि जी आप उसमें आइटम्स उसके सामने रखते जाते हैं और आपका बिल जनरेट हो जाता है। तो इस तरह के स्पेशलाइज किस्म के जो सॉफ्टवेयर हैं, स्पेशलाइज किस्म के जो इनपुट्स हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास क्या आ गई आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस क्या है जी, ये आपके पास जो आपने इसका रिजल्ट देखना है वो आप लोगों ने देखना है आउटपुट डिवाइसेस पर देखना है। अभी हम लोगों ने इस लेक्चर को यहीं पे बस इनपुट डिवाइसेस का खत्म करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर आउटपुट डिवाइसेस बताऊंगा कि आउटपुट डिवाइसेस में क्या है। तो अभी ऐसा है कि मैंने सारे आपको ना लेक्चर जो है ना रिकॉर्डेड भेज रहा हूँ आज एज अ टेस्ट पर्पस के लिए। आप सब बच्चे इसको अच्छे तरीके से समझ लें, किसी जगह किसी बच्चे को कोई इशू आ रहा है वो मुझे स्क्रीनशॉट के साथ उसको बता दे, तो मैं अभी भी जो बच्चों को मुझसे पूछते जाते हैं उनको बता देता हूँ, लेकिन स्टिल किसी को कोई इशू आ रहा है मुझसे वो पूछ सकता है, मतलब उसमें ग्रुप में आप मुझसे पूछ रहे हैं जी ये चीज़ है ये मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं वॉइस नोट पर उसको रिप्लाई कर दूंगा। अक्सर बच्चे वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमें अपने घर से दूर जाना पड़ता है, प्रैक्टिस करवाना पड़ता है घंटे का, दो घंटे का, तो हमारे लिए इशू हो रहा है कि सबको कटे ऑनलाइन होने में। तो ये आज हम लोग एक टेस्टिंग के लिए एक लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर तो आप लोगों को ये तरीका ठीक लगता है तो बस मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेज दिया करूँगा, और अटेंडेंस जो है वो फिर मैं आपको देखता हूँ मैंने कितना समय मैनेज करना है। तो आप इसको अच्छे तरीके से सुन लें, किसी जगह कोई इशू आए तो मुझसे आप लोगों ने शेयर करना है, तो फिर अपना फीडबैक भी देना है कि ये तरीका ठीक है या सबको ऑनलाइन बिठा के पढ़ाने वाला तरीका ठीक है। ये फिर आप लोग जो है मुझसे बताएंगे तो हम उस पर डिसाइड कर लेंगे हम लोगों ने नेक्स्ट क्लासेस किस तरह से लेनी है आपकी।